गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। विटामिन ई ऑयल जो होता है ना वो बहुत ही इजीली मार्केट में हमको मिल जाता है कैप्सूल के फॉर्म में, या फिर आप डायरेक्टली विटामिन ई ऑयल जो है बॉडी शॉप का आता है और भी बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं उसे भी खरीद सकते हो। मैं आज यहाँ पे जो विटामिन ई ऑयल यूज करने वाली हूँ वो सबसे सस्ता और बहुत ही इजीली हर एक केमिस्ट के शॉप में आपको मिल जाएगा। ये जो कैप्सूल है ये एडिबल है, इसका मतलब आप इसे खा भी सकते हो। तो विटामिन ई जो है हमारे बॉडी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, जो अंदर से भी हमारे बॉडी को हील करता है, बहुत इंप्रूव करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। और इसके साथ साथ अगर ये विटामिन ई ऑयल हम अपने फेस में अप्लाई करें, हेयर में अप्लाई करें, तो वो भी काफी अच्छा होता है। तो पहले जान लेते हैं क्या क्या गुण है जो हमें विटामिन ई ऑयल अप्लाई करने से मिलेगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे फेस को जो हार्म करते हैं, हमारे फेस का जो हीलिंग पावर है, रिपेयर पावर है, जिसे ये लो डाउन करता है, इन सबको ये हटाने में बहुत सक्षम है। इसी वजह से विटामिन ई ऑयल जब हम हमारे फेस में अप्लाई करते हैं तो ये फ्री रेडिकल से फाइट करता है, जो सन डैमेज या सन बर्न होता है उसको भी हटाने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। डार्क स्पॉट्स या कोई भी स्कार जो होता है उसे भी रिड्यूस करता है, डार्क सर्कल्स को हटाता है, हमारे स्किन को हाइड्रेशन, सूदिंग इफेक्ट और नरिशमेंट देता है। तो इसी वजह से विटामिन ई ऑयल जो है बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे स्किन के लिए। ये वीडियो आपको पसंद आता है और ऐसे ही वीडियोस आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए आपके फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके साथ और भी ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियो जरूर शेयर करूंगी। अगर आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत सारे होम रेमेडीज और अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें शेयर करती हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब के पास जो छोटू बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलना, वरना मेरे अच्छे अच्छे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे और आप मिस कर दोगे इन वीडियोज को। बिफोर अप्लाइंग एनीथिंग ऑन योर फेस द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू क्लीन योर फेस, एंड फॉर दैट रीजन वी विल बी यूजिंग रॉ यानी ठंडा कच्चा दूध और जस्ट 2 से 3 ड्रॉप ऑफ विटामिन ई ऑयल इसमें मैं डालूंगी। मेरा स्किन टाइप है कॉम्बिनेशन, इसलिए मैंने सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप विटामिन ई ऑयल इसमें डाला है, पर अगर आपका स्किन टाइप नॉर्मल टू ड्राई है तो आप इसमें 1 फुल कैप्सूल डाल सकते हो और उसके बाद अपने फेस को इस कच्चे दूध और विटामिन ई के क्लींजर से क्लीन कर सकते हो। कच्चा दूध एक बहुत ही बेहतरीन सा फेशियल क्लींजर है और उसमें हमने ये कुछ ड्रॉप ऑफ विटामिन ई के ऑयल जो डाल दिए है तो अभी ये वर्ल्ड क्लास बेस्ट फेशियल क्लींजर बन चुका है। इससे आप अपने फेस के सारे डर्ट, ऑयलीनेस, मेकअप को हटा सकते हो और प्लस आपके फेस को मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन और नरिशमेंट भी मिल जाएगा। आपका फेस क्लीन हो जाए उसके बाद हम करेंगे फेस मसाज, और इसके लिए मैं यूज करूंगी जस्ट 1 कैप्सूल ऑफ विटामिन ई ऑयल। सेम अगर आपका स्किन कॉम्बिनेशन या फिर ऑयल है तब आप भी 1 या फिर 1/2 कैप्सूल ऑफ विटामिन ई ऑयल का यूज कर सकते हो, पर अगर आपका स्किन ड्राई या फिर नॉर्मल है तो आप 1 से 2 कैप्सूल ऑफ विटामिन ई ऑयल यूज कर सकते हो। क्योंकि विटामिन ई ऑयल थोड़ा सा स्टिकी होता है तो इसीलिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी या फिर गुलाब जल, जो आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हो, एंड देन हम फुल फेस में इसे ऐसे धीरे धीरे से मसाज करेंगे। क्योंकि विटामिन ई ऑयल जो है हमारे डार्क सर्कल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम अपने अंडर आई एरिया में भी विटामिन ई ऑयल को अप्लाई करेंगे बहुत ही जेंटली। जब भी आपका फेस थोड़ा सा ड्राई या स्टिकी हो जाए तभी आप थोड़ा और पानी ले लीजिए और फिर हल्के हाथों से मसाज कीजिए। एक्स्ट्रा पानी ऐड करने से विटामिन ई ऑयल का जो स्टिकीनेस है वो रिड्यूस हो जाता है और इससे हम अच्छे से मसाज कर पाते हैं हमारे फेस को। मसाज करने से विटामिन ई ऑयल जो है वो हमारे स्किन के एकदम अंदर तक जाएगा और हमारे स्किन को हील, रिपेयर और रिजुविनेट करेगा। एक बार आप 2-3 मिनट के लिए मसाज कर लो ना अपने फेस को, उसके बाद एक टिश्यू पेपर लीजिए, उसे थोड़ा सा गीला कर लीजिए और जो ये एक्सेस ऑयल है उसे इस टिश्यू से रब ऑफ कर लीजिए। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन या फिर ऑयल है, बिकॉज ये एक्सेस जो ऑयल है आपके फेस से हटा देगा और जितना आपके फेस में रहना चाहिए उतना ऑयल आपका फेस ऑलरेडी एब्जॉर्व कर चुका है। अभी एक मॉइस्चराइजर हमें अप्लाई करना है, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये दम यंग बैम्बो जेल। मैं जेल इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जेल जो होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है, क्योंकि मेरा स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है और हमने विटामिन ई ऑयल से ऑलरेडी मसाज कर लिया है हमारे फेस को, तो जस्ट काउंटर बैलेंस करने के लिए जेल प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। पर अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप जेल प्रोडक्ट की जगह एकदम प्योर क्रीम यूज़ कर सकते हो। और अभी हम इसमें जस्ट 1 1 से 2 ड्रॉप ऑफ लेमन
ऐड करेंगे। नींबू का रस जो है वो हमारे स्किन टोन को इवन बनाता है, यानी हमारे स्किन से टैनिंग और अनइवन स्किन टोन या फिर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट जो भी है, उन सारी चीज़ों को हटाता है। क्योंकि लेमन जूस जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, इसलिए हम डायरेक्टली तो नींबू के रस को कभी भी अपने फेस में अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ लास्ट स्टेप, क्योंकि मैं इस ट्रीटमेंट को रात को सोने से पहले प्रेफर करती हूँ करना, तो इसीलिए रात को सोने से पहले अंडर आई क्रीम अप्लाई करना भी बहुत एसेंशियल होता है। तो अंडर आई क्रीम की जगह मैं ये विटामिन ई का कैप्सूल लूँगी और जस्ट इसे जो ऑयल है उसे हम अपने अंडर आई एरिया में अप्लाई करेंगे और ऐसे जस्ट अपने रिंग फिंगर से मसाज कर लेंगे। डायरेक्टली विटामिन ई ऑयल को हमारे अंडर आई और अपर आई एरिया में अप्लाई करने से हमारा जो फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं ये एकदम जड़ से हट जाती है। और क्योंकि विटामिन ई ऑयल एकदम नेचुरल होता है तो इसीलिए इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। अभी आई होप कि आपको दिख रहा है ये एक्स्ट्रा ग्लो जो मेरे फेस में आ गया है। और हमने सिर्फ यूज़ किया है 2 विटामिन ई कैप्सूल्स, ऑल यू नीड जस्ट 2 विटामिन ई कैप्सूल्स एंड यू आर जस्ट गुड टू गो। कुछ टाइप के ऑयल है जो हमारे फेस में हमें नहीं अप्लाई करना चाहिए अगर हमारी स्किन कॉम्बिनेशन ऑयली या फिर एक्नी प्रोन है, पर कुछ टाइप के ऑयल ऐसे भी होते हैं जो हम हमारे फेस में यूज कर सकते हैं जो भी हमारा स्किन टाइप क्यों ना हो। बट जो क्वांटिटी है उसका ध्यान हमें रखना है, कौन से टाइप का ऑयल हम यूज करें उसका भी ध्यान हमें रखना है। और इस ऑयल ट्रीटमेंट को आप हमेशा रात में ही ट्राई करो, और अगर आप दिन में भी कर रहे हो तो आप बाहर सनलाइट में डायरेक्टली मत जाना वरना सनबर्न हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम में। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करते हो तो कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक शेयर करना मेरे साथ। मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप लोग अपना फीडबैक शेयर करते हो। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब के पास जो छोटे बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलना, वरना आप नोटिफिकेशन मिस कर दोगे मेरे अच्छे अच्छे वीडियोज़ के। और मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस।